गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 8. डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 8 रीड करेंगे. लेसन का नेम है वर्ब. बच्चों, अब हम लेसन को रीड करते हैं. ए वर्ब इज एन एक्शन और एक्सप्रेस वर्ड. एक क्रिया एक्शन और एक्सप्रेस वर्ड है. It indicates the action of express in the present, past and future tense. यह वर्तमान, भूत और भविष्य काल में express की कार्यवाही को इंगित करता है. यानी कि यह वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में जो भी काम होता है उसको बताता है. It can be roughly divided into following three kinds. इसे लगभग तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है. Now again read. A verb is an action or express word. जो एक वर्ब होती है वो एक्शन और एक्सप्रेस वर्ड है. इट इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. जो भी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में जो भी एक्शन होता है उसकी कार्रवाई को बताता है. इट कैन बी रफली डिवाइड इंटू फ्लोइंग थ्री काइंड्स. इसे लगभग तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है. वर्ब कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की. कौन कौन सी? नीचे दिया हुआ है. एक्शन वर्ब, एग्जिस्टेंस वर्ब या बीइंग वर्ब. थर्ड है पोजेसिव या हैविंग वर्ब. इंडिकेट्स एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. इसमें एक्शन किसमें? सब्जेक्ट के उस पर आता है. जैसे एग्जांपल, गो, कुक, वर्क, डिवाइड, स्टडी, किल, लुक. और एग्जिस्टेंस वर्ब कौन सी होती है? इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. कौन सा है एग्जाम्पल इसमें? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, एटसेट्रा. नेक्स्ट है पोजेसिव वर्ब. इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल हैज, हैव, हैड, हैविंग, एटसेट्रा. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब. प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब. वर्ब कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज प्रिंसिपल और मेन एंड एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. क्रिया को आगे प्रिंसिपल या मुख्य सहायक या सहायक क्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. वर्ब कौन सी होती हैं? दो होती हैं, प्रिंसिपल और एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब कौन सी होती है? इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. आई एम ए बॉय, ठीक है. यू रन वेरी फास्ट. आवर हाउस हैज़ अ स्मॉल प्लेग्राउंड. और हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होती है. विवेक इज वर्किंग वेरी हार्ड. यू शुड डू योर होमवर्क. यू हैव फिनिश्ड योर डिनर, ठीक है. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब. रेगुलर होता है नियमित और इरेगुलर होता है अनियमित क्रियाएं. On the basis of its formation, verbs can further be classified as regular or irregular verb. इसके गठन की क्रिया के आधार पर आगे नियमित और अनियमित क्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. Verb. Verb दो टाइप की होती है. कौन कौन सी? Regular और irregular. Regular में क्या होता है? रेगुलर वर्ब फॉर्म वी कैन ऐड डी और डी एड टू द एंड ऑन इट्स बेस फॉर्म. रेगुलर वर्ब में होता है कि लास्ट में क्या होता है? डी और ई डी या सॉरी जो भी है इसमें क्या होता है? डी और ई डी एड होता है. और इरेगुलर में वर्ब में क्या होता है? इसका क्या इरेगुलर वर्ब देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपेट इन अ डिफरेंट वे फॉर्म एडिंग ई डी. देयर इज नो एंडिंग एट ऑल. चेंजिंग द वोवल ऑन द बेस फॉर्म दे कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वोवल. इसको स्ट्रॉन्ग वोवल भी कहा जाता है. इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जैसे कि रेगुलर फॉर्म में कौन कौन से होते हैं? टॉक. मैंने ऊपर बताया था कि इसमें क्या क्या लगता है? डी और ई डी. Talked, talked. Next, cry, cried, cried. Sleep, slept, slept. Bring, brought, brought. Work, worked, worked. Learn, learned, learned. Next, learned भी होता है इसका. Spent, spent, spent. Call, called, called. Next है इसमें दूसरी तरफ दे रखा है. Draw, drew, drawn. Cut, cut, cut. Cost, cost, cost. Hit, hit, hit. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Do, did, done. Fly, flew, flow. In order to express the time of an action done by the subject of a sentence,
किसी वाक्य के विषय में की गई कार्रवाई के समय को व्यक्त करने के लिए वी फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल और आईएनजी फॉर्म, वीफाई और प्रेजेंट इंडेफिनेट और एसईएस फॉर्म। किसी वाक्य के विषय में कार्रवाई के समय को व्यक्त करने के लिए हम वी फोर या प्रिंसिपल बनाते हैं, या फिर वी फाइव के लिए क्या करते हैं, वर्तमान अनिश्चित एस या ई एस के रूप में जमा करते हैं। वी विल अबाउट इट इन डिटेल इन द 10th चैप्टर। हम इसके बारे में विस्तार से तनावपूर्वक यानी कि जो सा 10th का चैप्टर है उसमें अध्ययन करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक का क्या होता है? ड्रिंकिंग ड्रिंक्स। बच्चों ये बताया था ऊपर कि हम जो प्रिंसिपल है उसमें क्या लगाते हैं, आई एन जी, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म आती है तो उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो उसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस। जैसे कि नेक्स्ट है कम, कमिंग, कम्स, प्ले, प्लेइंग, प्लेज। वर्ब फॉर्म्स, बच्चों ये नीचे आगे कुछ वर्ब फॉर्म दे रखी हैं। जैसे कि फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म के हिसाब से चेंज होता है, ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म है, और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म। तो इसकी क्या होगी, फर्स्ट बिगिन, बिगिन का क्या होगा, बिगेन, पास्ट फॉर्म में क्या होगा, बिगेन, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में क्या होगा, बिगन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बिगनिंग, और प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म में बिगिंस। नेक्स्ट है बेंड, बेंट, बेंटिंग, बेंड्स। बाइट, पास्ट फॉर्म क्या है बाइट की, बिट, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में क्या होगा, बिटन। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, बीटिंग। नेक्स्ट है बाइट्स। ब्लो, ब्लो का क्या होगा पास्ट फॉर्म में, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक, ब्रेक में पास्ट फॉर्म क्या आएगी, ब्रॉक, पास्ट परफेक्ट फॉर्म ब्रोकन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रेकिंग, प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म ब्रेक्स। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्डिंग, और प्रेजेंट इंडेफिनेट बिल्ड्स। कैच, कॉट, कॉट, कॉचिंग, कैच। नेक्स्ट है चूज, चूज का क्या होगा पास्ट फॉर्म, चूज, पास्ट परफेक्ट फॉर्म चूजन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चूजिंग, और नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म चूज। कम, केम, कम, कम, केम, कम, कमिंग, कम। नेक्स्ट है कट, कट का क्या होगा, कट, कट, कटिंग, कट्स। बच्चों इसी प्रकार से ये सब भी करनी है, इसको आप स्वयं करना। नाउ अगेन रीड, नाउ अगेन रीड। मैं एक बार दोबारा से इस चैप्टर को रीड कर रही हूँ। ए वर्ब इज एन एक्शन और एक्सप्रेस वर्ड। जो एक वर्ब है यानी कि एक क्रिया होती है जो एक्शन और क्या करती है, एक्सप्रेस वर्ड, ठीक है, उसको के बारे में बताती है। इट इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ये क्या बताता है, यह वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल में एक्सप्रेस जो भी काम होता है या जो भी कार्रवाई होती है उसके बारे में बताता है। इट कैन बी रफली डिवाइड इनटू फॉलोइंग थ्री काइंड। क्या है, इसे लगभग तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो वर्ब्स हैं उनको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट है एक्शन वर्ब, सेकेंड है एग्जिस्टेंस, और नेक्स्ट है पोजेसिव। फर्स्ट होता है एंड एक्शन, इंडिकेट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जो भी काम क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा डन किया जाता है यानी कि किया जाता है। जैसे कि गो, कुक, वर्क, डिवाइड, स्टडी, किल, लुक, एटसेट्रा, ये एक्शन वर्ड के एग्जांपल्स हैं कुछ। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एग्जिस्टेंस किया जाता है, जैसे कि इज, आम, आर, वाज, वर, बी, एटसेट्रा। नेक्स्ट है पोजेसिव, पोजेसिव में क्या होता है, इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, हैज, हैव, हैड, हैविंग, एटसेट्रा, ये सब किसके उदाहरण है, पोजेसिव वर्ब के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब कैन फर्थर बी क्लासिफाइड एज प्रिंसिपल और मेन एंड एक्सिलरली और हेल्पिंग वर्ब।
क्रिया को आगे प्रिंसिपल या सहायक क्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि उसको मेन प्रिंसिपल वर्ब या फिर एक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आई एम अ बॉय। क्या होता है प्रिंसिपल वर्ब? ए फिनिट वर्ब दैट मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। जो प्रिंसिपल वर्ब होता है वो क्या बताता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है और कोई ना कोई मीनिंग निकालता है, ठीक है, उस वर्ड की वजह से कोई ना कोई मीनिंग निकल जाता है, तो वो क्या होता है प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ए डूइंग और हैविंग वर्ब कम बिफोर एंड हेल्प्स द प्रिंसिपल ऑर्नामेंट टू कम्प्लीट अ सेंटेंस। एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट टाइम और टेंस मूड ऑफ अ सेंटेंस। ये एग्जैक्ट टाइम बताता है कि क्या कर रहे हैं, हेल्प करता है। नेक्स्ट कुछ उदाहरण दे रखे हैं, विवेक इज वर्किंग वेरी हार्ड, यू शुड डू योर होमवर्क, यू हैव फिनिश्ड योर डिनर, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर होता है नियमित और इरेगुलर होता है अनियमित। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन वर्ब्स कैन फर्थर बी क्लासिफाइड एज रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। जो इसके गठन की क्रिया के आधार पर आगे नियमित और अनियमित क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो उनसे वर्ब होते हैं उनको दो उसमें बांटा जाता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में क्या होता है, हम क्या ऐड करते हैं, डी और डी एड टू द एंड और इट्स बेस फॉर्म के हिसाब से हम डी और ई डी ऐड करते हैं। इरेगुलर फॉर्म में क्या होता है, इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस पार्टिसिपल इन अ डिफरेंट वे टू एडिंग ईडी। तो हम इसको डिफरेंट वे में ईडी ऐड करते हैं। देयर इज नो एंडिंग एट ऑल चेंजिंग द वोवल टू द बेसिस फ्रॉम देयर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसको इरेगुलर वर्ब को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं नीचे, ठीक है, इसको रीड करना है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस वी फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ और आईएनजी फॉर्म वी फाइव और प्रेजेंट इंडेफिनेट एस या ईएस फॉर्म। वी स्टिल अबाउट इट इन डिटेल इन द टेंस चैप्टर। किसी वाक्य के विषय में की गई कार्रवाई के समय व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वी फोर या प्रिंसिपल बनाते हैं या फिर वी फाइव का अनिश्चित या क्या करते हैं, एस या ई एस के रूप में जमा करते हैं। हम इसके बारे में कब पढ़ेंगे, टेंस के चैप्टर में। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, कम, कमिंग, कम्स, प्ले, प्लेइंग, प्लेइंग्स। नेक्स्ट है वर्ब्स फॉर्म्स। बच्चों ये आगे कुछ वर्ब फॉर्म्स दे रखी हैं, इसमें हमें एक वी वन में दे फॉर्म दे रखी है, आगे पास्ट में चेंज करना है तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो क्या आएगा, आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी दे रखी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म भी है, ठीक है बच्चों, ये नीचे दिया हुआ है, इसे आप स्वयं पढ़ें। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 8 वर्ब का टॉपिक रीड किया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रिवाइज करना है व रीड करना है। बच्चों जो भी काम आपको स्कूल में दिया जाता है वह अच्छे ढंग से व साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपीज में करें। डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं इसको आपने लर्न भी करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।